पूरा श्रद्धा से मैं परम पूज्य दलाई लामा को नमन करते हुए अपने शब्दों को मैं स्टार्ट करता हूँ। आज के इस समारोह में यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमारे रेवरेंड लिंग रिमुचेला और गवर्नमेंट इन एग्जाइल के ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री पेम्बा श्रृंगला, यहाँ उपस्थित टिबेटन पार्लियामेंट के हमारे ऑनरेबल स्पीकर जी, गंदन नमजे फोडांग के हमारे सेक्रेटरी रिमुचेला और अरुणाचल प्रदेश से हमारे साथ उपस्थित यहाँ आए हुए हमारे ऑनरेबल एमपी श्री तपिरगांव जी, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन श्री पासांग दोरजिला और अरुणाचल से आए हुए सभी एमएलएस, और आज के इस इवेंट में यहाँ पर मौजूद हमारे टिबेटन गवर्नमेंट के जितने भी ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, ऑनरेबल एमपीज़ हैं और सीटीए के जितने भी जो ऑफिशियल्स हैं, और ख़ास करके इस समारोह में आज यहाँ उपस्थित हिज होलीनेस के जितने भी हमारे फॉलोवर्स आज यहाँ आकर्षित हुए हैं, और ख़ास करके अरुणाचल प्रदेश के जो डिवोटीज और मन एरिया के हमारे माता पिता भाइयों बहनों और मीडिया के हमारे दोस्तों, हमारे लिए ये आज काफ़ी खुशी का अवसर है कि मैं यहाँ मैगलोटगंज में यहाँ पे आके एक दो शब्द कहने का हमें जो मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से यहाँ के सीटीए टिबेटन गवर्नमेंट को मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जिस प्रकार से कल परसों से ही मैं यहाँ पे धर्मशाला मैगलोटगंज में आया हूँ और जिस प्रकार से उन्होंने जो हॉस्पिटैलिटी हमारे पूरे टीम को जो उन लोग ने जो एक्सटेंड किया है, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीटीए का पार्लियामेंट में भी विजिट हुआ, वहाँ के जो बहुत अच्छा म्यूज़ियम जो हमारे टिबेट का बहुत जो रिच कल्चर है, आइडेंटिटी है, उसको देखने का भी हमें मौका मिला। और साथ साथ अपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री पेम्बा श्रृंगला ने अपने कशक में भी हमको होस्ट किया और अपना टीपा में भी वहाँ के जो डायरेक्टर और वहाँ के आर्टिस्ट ने भी हमें होस्ट किया है। तो सभी मैं सीटीए गवर्नमेंट को हमारे ओर से, हमारे पूरा टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज का जो ये छोटा सा ओकेजन इवेंट जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, ये बेसिकली अपना परम पूज्य हिज होलीनेस दलाई लामा जी का जो 90th बर्थडे है, उसका ओकेजन पर यहाँ पे आज इस समारोह को होस्ट किया है। तो सबसे पहले मैं, हम सभी की ओर से हम प्रार्थना करेंगे और थोड़ी देर पहले हमारा तिनशु कमिटी जो तवांग के हैं उनके द्वारा हमारे मौन एरिया की तरफ से हिज होलीनेस के लिए लॉन्ग लाइफ का प्रेयर्स भी हम लोग ने ऑफर किया है। तो हम लोग सबसे पहले तो हिज होलीनेस का आयु और भी लंबा हो हम लोग प्रार्थना करते हुए, और साथ ही साथ जैसे हमारे सिक्योंग पेम्बा श्रृंगला ने जो यहाँ पे कहा कि हिज होलीनेस ने तो अपना एक्सेप्ट कर लिया कि वो काफ़ी लंबे जिएंगे, मगर साथ ही साथ हमारा जो फॉलोवर्स है यानी कि हम सब लोग भी उसके लिए तैयारी होना पड़ेगा। और जैसे हम सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बौद्ध धर्म को लेके, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि बौद्ध जो धर्म है केवल धर्म ही नहीं है बल्कि ये एक वे ऑफ लाइफ भी है। और जिस प्रकार से स्पेशली 14 दलाई लामा ने टिबेट से बाहर आने के बाद जो बौद्ध धर्म को लेके और अपना वे ऑफ लाइफ का तरीके से ज़िंदगी किस प्रकार से जीना है उसको जो टीचिंग करते हैं, उसको हम लोग अच्छे से फॉलो करना है। और अक्रॉस हिमालयन बेल्ट, आप चाहे लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, जितने भी जो हम पहाड़ों में जो बसने वाला लोग, सभी लोग बौद्ध धर्म हम लोग फॉलो करते हैं और हिज होलीनेस को हम लोग गुरु जी मानते हैं। सो गुरु जी जैसे हम लोग को गाइड करते हैं, हम लोग फॉलोवर होने का नाते हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब का ड्यूटी बनता है कि उनका प्रीचिंग को हकीकत के रूप में अपनी ज़िंदगी में उसको हम लोग प्रयास करने के लिए, तब जाके हम लोग जो आज यहाँ पे तिनशु जो ऑफर किया और पूरे विश्व भर में जितने भी हमारा हिज होलीनेस का वेल विशर्स है, वो लोग अपने अपने जगह से हमेशा हिज होलीनेस का लंबू आयु के लिए वो लोग जो प्रार्थना करते हैं, तो साथ साथ हम लोगों को भी वो जो टीचिंग देते हैं उसको प्रैक्टिकली डेली लाइफ में हम लोग फॉलो करना चाहिए, तब जाके हिज होलीनेस का भी अच्छा और हेल्दी लाइफ वो जी पाएंगे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्योंकि वैसे तो इंग्लिश कैलेंडर में देखा जाए तो अभी 89th ईयर है, मगर हमारा टिबेटन कैलेंडर के मुताबिक हिज होलीनेस का 90th ईयर हो चुका है। और
सिक्योंग पेम्बा सिरिंगला ने हमें बताया कि आने वाला नेक्स्ट ईयर 2025 6 जुलाई को और भी 90th बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं तो हम लोग ने डिस्कस कर रहा था कि आज का जो इवेंट है 90th बर्थडे का, ये एक कर्टेन रेजर के तौर पे हम लोग मनाएंगे पूरे एक साल, लगभग एक साल जैसे। और इस एक सालों में हम सब यही प्रार्थना करना है कि जैसे उनका जो टीचिंग को हकीकत में अपना खुद प्रैक्टिकली हम लोग जीवन में प्रैक्टिस करने का, कॉम्पैशन हो गया, बहुत सारा चीज़ हो गया। तो यहाँ में बहुत धर्मगुरु लोग बैठा हुआ है, तो मैं ज़्यादा धर्म के बारे में बोलने से भी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। तो मैं बेसिकली आज हमारे ऑनरेबल जो अपने गंदन फोडंग के सेक्रेटरी है रिमुचेला, आपने अपने स्पीच में जो बताया खास करके मन एरिया और हिज होलीनेस का जो इंस्टीट्यूशन है उसका साथ में जो संबंध है, उन्होंने जिक्र किया कि जो फिफ्थ दलाई लामा था उसका विश्व के ओर से, उनका जो विजन के ओर से हमारा तवंग मठ, तवंग गंदन नमगेल हसे कोनपा, उनके द्वारा हम लोग ने फिफ्थ दलाई लामा के आशीर्वाद के कारण से हम लोग ने वहाँ पर बनाया। और 6 दलाई लामा जो है वो तवांग में जन्म हुआ है, और 14 दलाई लामा जो तिब्बत में क्राइसिस होने के बाद जो पहली बार भारत में एंट्री हुआ था वो भी तवांग से ही एंट्री होके वो इस देश में आया। और साथ ही साथ उनका जो टीचिंग्स, हिज होलीनेस 14 दलाई लामा का टीचिंग्स तिब्बत के बाहर, 14 दलाई लामा का सबसे पहले वो तवांग से ही स्टार्ट किया। तो अभी कुल मिला के अराउंड 65 ईयर्स हो गया हिज होलीनेस यहाँ भारत में आके। तो खास करके आप भी थोड़ी देर पहले आप लोग ने भी विटनेस किया, हिज होलीनेस हमेशा जो मौन एरिया के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही एक प्यारा, वो अपना दिल से ही, वो जितने भी जो मौन एरिया के वासी हैं आप सभी, हम सभी को ऊपर में उनका काफ़ी आशीर्वाद है। तो हम सबको ऊपर में काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी है, केवल मौन एरिया ही नहीं बल्कि पूरा हिमालयन जो रीजन है, खास करके जो बौद्ध धर्म फॉलोवर्स लोगों को, कि हमारा आने वाला दिनों में जो बौद्ध धर्म का जो फ्यूचर है उसमें हमारा हिमालयन रेंजेस के जितने भी फॉलोवर्स हैं हम लोग उसमें एक अच्छा, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है बोल के उनका ये एक चाहत है। सो उनका जो एक्सपेक्टेशंस को हम लोग इन रियलिटी हम लोग लेके जाना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो बोधी लैंग्वेज या हमारा जो तिब्बती भाषा है उसको हम लोग सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुराना जो हमारे जो ग्रंथ होते हैं, केन्यूर बोलो या तेन्यूर बोलो, वो आपने तिब्बती भाषा में लिखा हुआ है बोधी स्क्रिप्ट में। तो उस बोधी स्क्रिप्ट को यदि हम लोग ध्यान करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे सीखेंगे, तब जाके आपको रियल मीनिंग जो है वो ज़्यादा आपको पता होगा। इसीलिए जितने भी हमारा खास करके यंग जनरेशन्स है अक्रॉस हिमालयन बेल्ट, हम सभी को मैं अनुरोध करता हूँ कि बोधी स्क्रिप्ट को आप लोग ज़रूर आप लोग सीखिएगा। यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारा कल्चर है, उसको बचा के रखना बहुत ही आवश्यक है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं एक बार फिर हिज होलीनेस को प्रार्थना करते हुए, और आज यहाँ में आप जितने भी लोग दूर दराज से आए हैं आप सभी को भी मैं धन्यवाद प्रकट करते हुए अपने शब्दों को यही विराम करता हूँ। जय हिंद, लॉन्ग लिव हिज होलीनेस।